वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे कैसे हम एक जर्नल एंट्री करें एक्सेल में। जैसे हमने ये डाटा सब टॉप टाइप कर चुके हैं, जैसे कमल जर्नल एंट्री, कमल स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश रिच 24,000। इट मीन्स सीयर कौन होगा? कमल, जिसने पैसा लगाना है। और डियर कौन होगा? कैश, क्योंकि ये ट्रांसैक्शन विद कैश है। तो हम ऐसे सभी डाटा टाइप कर चुके हैं, जैसे कमल होगा सीयर 24,000 और कैश होगा डियर, ठीक है, डेबिट। और उसके बाद हम अगली ट्रांसैक्शन देखेंगे एंट्री, कमल परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि कमल ने अब बाय कैश परचेज करना है 12,000। तो यहाँ पे सीयर कौन होगा? पहले तो डियर था, अब होगा सीयर कैश, तो डियर होगा परचेज। उसी तरह सिमिलर हम यहाँ पे डाटा टाइप कर चुके हैं। आगे देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश रिच 16,000। अभी जो हमने ऊपर 12,000 का स्टॉक परचेज किया था, वही 16,000 में सेल कर रहे हैं। और इसमें भी सीयर होगा सेल, तो डियर होगा कैश। और यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ? 4,000। वही प्रॉफिट 4,000 का हमने परचेज कर लिया फर्नीचर, ठीक है, जो 24,000 लगाया था, 12,000 हमने परचेज किया, 16,000 आया। और 4,000 का हम जो हमारा प्रॉफिट था उसका हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, जहाँ सीयर बाय कैश होगा तो सीयर होगा कैश, तो डियर होगा फर्नीचर। इसी तरह हम क्रेडिट और डेबिट का डाटा टाइप कर चुके हैं। आगे देखेंगे एंट्री, आगे एंट्री में है ओपन अ बिजनेस अकाउंट 10,000। 10,000 का हम बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं, और उसमें सीयर कौन होगा? किसमें पैसा है? अभी तो कैश में है, बैंक तो खाली है, अब बैंक में होगा 10,000। सीयर करेगा कैश और बैंक करेगा डियर। उसके बाद कमल परचेज गुड्स 8,000 बाय चेक, क्योंकि अब बैंक में पैसा डल चुका है। और उसी तरह हम सीयर होगा बैंक, तो डियर होगा परचेज। आगे देख लिया हमने कमल पेड सैलरी 800 बाय चेक, ये भी बाय चेक ही सैलरी होगी, जहाँ सीयर होगा बैंक और डियर होगी सैलरी। उसके बाद कमल सेल कैश, और यहाँ पे सेल कैश हो रहा है, तो सीयर कौन होगा? सीयर होगा सेल और डियर होगा कैश। उसके बाद आगे एंट्री देखेंगे कमल पेड 4,000 टू बैंक, फिर द्वारा सीयर ने पैसा लगाना है बैंक में, और सीयर होगा कैश तो डियर होगा बैंक। आगे कमल रिसीव कमीशन 400, तो यहाँ पे रिसीव कमीशन 400, तो कमीशन क्या होगा? सीयर को, फिर कमल ने रिसीव करना है। उसके आगे देखेंगे जो भी हमने जर्नल एंट्री बोली उसका एक एक लेजर निकालेंगे, जैसे जहाँ हमने टाइप किया है कैश, यहाँ पे एंट्री वो ही इन्वॉल्व होगी जिसके साथ कैश का लिंक है, जिसमें साथ कैश इन्वॉल्व है। हर एक जो वो ट्रांसैक्शन होगी जहाँ में कैश इन्वॉल्व है, चाहे कैश शेयर हुआ है चाहे डियर होगा, वो हम लेजर कैश में एंट्री निकालेंगे। जैसे टाइप कर चुके हैं, और कमल लेजर जो डियर हुआ था, ठीक है, और कमल सीयर हुआ था, बट कैश में वो क्या? डियर। कैश के लिए वो क्या? डियर। कैश में उसमें पैसा आया। उसके बाद परचेज में उसने कैश में पैसा लगाया, ऐसे निकालेंगे। उसके बाद सेल बाय सेल कैश में पैसा आया, और पीएनबी बैंक में गया। सीयर मतलब कैश में पैसा लगाया, डियर मतलब कैश में आया, तो पीएनबी बैंक। इसी तरह वो सारी ट्रांसैक्शन विद डेट के साथ निकाल लेंगे, और उसको हम करेंगे एक्सेल में, फिर कैलकुलेट सम का फार्मूला लगा के कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में निकालेंगे, जहाँ कैश में ओपनिंग बैलेंस कोई नहीं था, यहाँ खाली रखेंगे, और करंट बैलेंस इनको सम करके निकालेंगे, इन सभी को सम करके निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे फार्मूला क्लोजिंग बैलेंस भी निकालेंगे, क्लोजिंग होता है इन दोनों का टोटल को माइनस करके निकालने से क्लोजिंग बैलेंस हम निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम कैसे फार्मूला किया है टाइप, जैसे इक्वल सम
तो हमने ऊपरी वैल्यू को लिया, उसके बाद कॉमा, उसके बाद अगली वैल्यू को ले किया कॉमा। इस तरह हम सिंगल सिंगल वैल्यू को ऐसे चख सकते हैं, बाकी वो रेंज। इसी तरह हमने ये वाली सम मेथड से ऐसे इक्वल किया और इसको दोनों को डिवाइड करके क्लोजिंग बैलेंस से निकाला। उसके बाद आगे देखेंगे अगला लेजर हम कैसे बना। जो भी हमारी 10 एंट्रीज है उसकी जितने जितने अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, लेजर यूज़ हुए हैं, उस लेजर का हम एक एक वैल्यू निकालेंगे। ये तो हो गया हमारा कैश लेजर। हमने इसको मैन्युअली एक्सेल में जो भी कैश रिलेटेड डाटा निकाल चुके हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट हम लेजर बनाएंगे, जिस तरह हम टाइप कर चुके हैं परचेज, और इसमें परचेज अकाउंट किस किस के साथ इन्वॉल्व था वो ही एंट्री। यहाँ जैसे 10 एंट्री में सिर्फ परचेज दो ही एंट्री में इन्वॉल्व था, यहाँ पे परचेज में पैसा आया कैश के द्वारा 12,000, और फिर परचेज में पैसा पीएनबी बैंक के द्वारा 8,000। जैसे ये ट्रांसैक्शन देखते हैं, कमल परचेज गुड्स 12,000, तो यहाँ पे सीयर हुआ था कैश और डियर क्या हुआ था परचेज। तो इसमें पैसा टोटल कितना आया ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 पैसा आया। और यहाँ 20,000 कहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे डियर रकम अमाउंट हुई वहाँ पे उसका टोटल अकाउंट होगा, वहाँ पे उसका क्लोजिंग बैलेंस होगा निकाला जाएगा। इसी तरह सेल अकाउंट, यहाँ पे वो एंट्रीज देखनी है जो सेल अकाउंट के साथ रिलेटेड है। और ये कितनी एंट्री ट्रांसैक्शन हुई सेल की, सिर्फ दो, उसी 10 एंट्री से निकालेंगे। जहाँ पे सेल अकाउंट क्रेडिट हुआ 16,000 और फिर उसके बाद 6,000, इसका मतलब भी सेल अकाउंट ने पैसा लगाया, सेल अकाउंट में पैसा आया नहीं लगाया, तो वो क्रेडिट की तरफ ही उसे प्लस करेंगे, वही उसका टोटल, वही उसका करंट बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस भी निकलेगा। ऐसे पीएनबी बैंक किस किस के साथ इन्वॉल्व था वही एंट्री 10 एंट्री से निकालेंगे। और पीएनबी बैंक में कैश द्वारा इसमें पैसा आया और परचेज के द्वारा इससे पैसा 8,000 गया और सैलरी भी इससे गई और कैश 4,000 आया। और इसी तरह इनका टोटल निकाल के हम करंट टोटल द क्लोजिंग बैलेंस इसका 52,000 निकालेंगे। उसके बाद कमल एंट्री की तो 10 एंट्री में सिर्फ एक ही एंट्री है, इसने पैसा लगाया 24,000, इसने निकाला नहीं, कई बार विदड्रॉ भी कर सकता कैपिटल अकाउंट जहाँ से नहीं हुआ, सिर्फ एक ही एंट्री है, तो वो एक ही एंट्री का हम क्रेडिट की तरफ होएगी। कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैश द्वारा, इसे टोटल निकालेंगे। उसके बाद सैलरी भी हमने 10 एंट्री से देखा है, सिर्फ एक ही बार सैलरी दी गई है वो 800, वो सैलरी अकाउंट हुआ क्या, डेबिट हुआ, किसके द्वारा, पीएनबी बैंक के द्वारा, वही उसका जहाँ पे सैलरी डेबिट हुई वहाँ पे उसका टोटल थे करंट क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। इसी तरह कमीशन अकाउंट की भी एक ही एंट्री है 400, वह सभी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे हम, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आगे निकालेंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हम अकाउंट लेते हैं और उसमें डेबिट क्रेडिट टाइप कर चुके हैं, पर यहाँ से कैपिटल अकाउंट्स ने क्रेडिट किया तो उसे क्रेडिट की साइड लिखेंगे। और यहाँ पे समझेंगे करंट एसेट कैसे बनता है। करंट एसेट बनता है जो हमने बैंक एंड कैश के क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे उन दोनों को ऐड करके करंट एसेट्स निकलता। जैसे हमने पहले लेजर बनाया था कैश और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, और उसके बाद हमने बनाया था बैंक अकाउंट और उसका क्लोजिंग बैलेंस निकाला था, दोनों की वैल्यू को ऐड करके निकलता है करंट एसेट्स। और ये हमने कलरफुल करके सिर्फ समझाने के लिए टाइप किया है, और दोनों को हमने ऐसे फार्मूले के जरिए प्लस करके आपको यहाँ पर एक्सेल में दिखा सकते हैं। जैसे इक्वल टाइप किया, बैंक का लिया क्लोजिंग बैलेंस और कैश का, दोनों को ऐड करके 25,600 जी हमने करंट एसेट्स, इसको ही ऐड करेंगे, वो हमने समझाने के लिए टाइप किया है, उस लिए टाइप किया है। और इन दोनों को हम करेंगे प्लस, और उसके बाद देखेंगे और भी हमने लेजर्स में लिए हैं, जैसे सेल क्रेडिट हुआ, परचेज डेबिट हुआ, और जैसे और एक्सपेंसेस सभी को हम फार्मूला टाइप करेंगे सम, और अकेली वेल उठाएंगे, उसके बाद कॉमा, और नीचे जो रेंज बनती है, रेंज सीरियल वाइज लिखा है, रेंज बनती है उसे उठा लेंगे, सम करेंगे। इसी तरह हम फार्मूला इधर टाइप करेंगे सम, यहाँ पे एक एक वैल्यू है तो कॉमा पापा की इसको वैल्यू को उठाएंगे और इसे सम करेंगे दोनों। और आगे देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, और इसमें क्या है, इसमें कैपिटल अकाउंट हम लेते हैं, जितने बिजनेस में कितना पैसा लगाया 24,000, और
उसके बाद बिजनेस चलाने के बाद करंट एसेट्स कितना हुआ 25,600 ये लिखा जाता है। ओनर इक्विटी मतलब उसका हक कितना है पैसे का, उसको कितना हक बना 24,000 लगाने के बाद कितना बना 25,600। और इससे ज़्यादा हक की गल की जाओ तो एक से ज़्यादा भी होते हैं, जैसे अकाउंट पार्टनरशिप के भी होते हैं, ऑनर जिसमें एक होता है जिस और उसमें पार्टनरशिप एक से ज़्यादा होते हैं, जो प्रॉफिट होता है उनमें डिवाइड किया जाता है, कॉरपोरेशन के होते हैं और उसमें क्या एवरी इन्वेस्टर ऑनर होता है, उन सभी को डिवाइड किया जाता है। और जहाँ इस बिजनेस में देखेंगे उसने विदड्रॉ कुछ नहीं करवाया, उसने सिर्फ 24,000 पैसा लगाया, यदि विदड्रॉ करवाया होता कैपिटल अकाउंट ने वो भी उस भी अमाउंट में माइनस किया जाता है। आगे देखेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक साइड हम एसेट लिखते हैं, जो हमारे करंट एसेट हम निकाल चुके हैं 25,600, और दूसरी तरफ लिखते हैं लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी, उसमें रखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस 1600 और ऑनर 24,000 और ऑनर इक्विटी कितनी बनी 25,600। थैंक फॉर वॉचिंग।